बेसरो सामानी, भूख और मौत का शोर। ये दिलासा देने वाली आवाजें किनकी हैं? सब कुछ अंधेरा होता है, नेक नियति से दुआ मांगते हो अल्लाह ताला वसीले क्रिएट कर देते हैं, काम होके रहते हैं। खौफे खुदा से पूरा आवाजें। आप अपनी आंखें इंसानियत की तरफ नहीं बंद कर सकते। उस बच्चे का क्या कसूर है जिसको खाना भी नहीं मिलने को, जिसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसको पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है, उसका क्या कसूर है? इंसानियत को हर दूसरे रिश्ते पर मुकदम ठहराने वाली आवाजें। ऐसे ही जो हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आगे बढ़ के जो है इस बात पे लबैक कही है, और वो इस काम में हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि एक नोबल कॉज है। हम ख्यालों को साथ मिलाकर जर्रे से पहाड़ बन जाने वाली आवाजें। ये आवाजें हैं उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स की, हजारों मील का फासला भी, जिन्हें अपने सैलाब ज़दा पाकिस्तानी हमवतनों की तकालीफ को महसूस करने से नहीं रोक सका। एक हदीस है, मल ले यश्कुरन नास लम यश्कुरुल्लाह, जो बंदा मेरी बंदों का शुक्रिया नहीं अदा करता मेरा क्या करेगा। सो दिस इज माय वन वे ऑफ थैंकिंग देम। डॉक्टर फौजिया मुताहिद वर्जीनिया हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक एक पाकिस्तानी अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए दूसरी अद्वियात के साथ खास तौर से कोबरा सांप के जहर का तैयार करने वाली अद्वियात के अतिये का भी बंदोबस्त किया है। पाकिस्तान में मौजूदा सैलाब के दौरान अब तक सामने आने वाले सांप के डसने के सैकड़ों केसेस में से कई फौरी तिब्बी इमदाद ना होने के बाइस मोहलिक साबित हुए। क्योंकि अमरीका में एंटी कोबरा वेनम अद्वियात दस्तियाब नहीं, डॉक्टर फौजिया ने इनके लिए अपनी एक मरीज विष्णु परिया से राब्ता किया, जिनका ताल्लुक भारत से है, जहां एंटी कोबरा वेनम अद्वियात तैयार होती हैं। विष्णु ने इन अद्वियात का इंतजाम इंडिया में मौजूद अपनी सास के जरिए किया, जो कि खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। लेकिन ये अद्वियात भारत से बराह रास्त पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका के रास्ते पाकिस्तान पहुँचेंगी। It has to come from... Injections इंडिया से पहले यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान भेजे जाएंगे। I was very sad because मुझे इस बात से दुख हुआ क्योंकि दोनों ममालिक इस कदर करीब हैं, बराह रास्त भेजना सस्ता भी होता और अगर वो चाहें तो ऐसा हो सकता है। They want to. डॉक्टर फौजिया से इस अतिये की दरख्वास्त सन चैरिटी नामी पाकिस्तानी अमेरिकन्स की एक रफाही तंजीम ने की थी। जब मेडिकल टीम्स वहाँ पर पहुँची हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पास जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो स्नैक बाइट्स की वजह से आ रहे हैं। तो जब स्नैक बाइट्स का उन्होंने देखा, और जाहिर बात है कि वो लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, या उनके पास जो भी मेडिसिन थी वो इतनी लिमिटेड थी कि वो सबको जो थे वो नहीं दे पाए। सन चैरिटी के डायरेक्टर इजाज सिद्दीकी के मुताबिक उनकी तंजीम इस वक्त मुतासरीन की तिब्बी देखभाल के साथ साथ उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरियात भी फराहम कर रही है। इजाज बहुत अफसोस से बताते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद इमदादी अशिया कहीं महंगी कर दिए जाने के बायस उन्हें मजबूरन तमाम सामान चीन से खरीदना पड़ रहा है, और यूँ सैलाब की रिलीफ के लिए दी जाने वाली वो इमदाद जो दूसरी जानी पाकिस्तान की मईशत को भी फायदा पहुँचा सकती थी, किसी और मुल्क को मजबूत कर रही है। एक कुरान की आयत है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। दो जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके रास्ते वहाँ से निकालता है जहाँ की उनकी उम्मीद भी नहीं होती। 28 साल पहले पाकिस्तान से एक सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर अमरीका आने वाली डॉक्टर मुताहिद फौजिया को उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान अपने कदमों पर इस तरह जमकर खड़ा होगा कि इसे किसी भी मुश्किल वक्त में बाहर से मदद की जरूरत नहीं रहेगी। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन।